हेलो एंड वेलकम बैक टू ईएचएस समित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी आईएसओ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पीडीसीए सर्किल को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें पी स्टैंड फॉर प्लानिंग। क्वालिटी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट पिलर है आईएमएस इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। एज पर आईएसओ 45001 एंड आईएसओ 14001 क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें क्लॉज नंबर 6.1.1 को फुलफिलमेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करने के लिए एक प्रोसेस डेवलपमेंट करना पड़ता है एंड उसे डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एड्रेस करने का प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेड करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर को डेवलपमेंट किया जाता है एंड वो रजिस्टर में रिकॉर्ड कीपिंग करके क्लॉज नंबर 6.1.1 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 6.1.2.2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए एक मेथोडोलॉजी को डिफाइन किया जाता है एंड उसे डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 6.2.2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड प्लान को अचीव करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 6.1.2.1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर एंड उसको कैसे असेस करें ये डॉक्यूमेंटेशन को डिफाइन करके डेवलप किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीगल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस को डिफाइन करके डॉक्यूमेंट किया जाता है एंड लीगल रिक्वायरमेंट का प्रोसीड्योर को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद उसे लीगल रजिस्टर के द्वारा रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है। क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग का एंटायर डॉक्यूमेंटेशन एमआर को करना पड़ता है, जो कि कंपनी का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहता है। ओनली क्लॉज नंबर 6.1.1.1 का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर को डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है एंड उसे रिव्यू करता है एमआर। क्लॉज नंबर 6.1.1 एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी प्रोसेस डिफाइनिंग का डॉक्यूमेंट में एज पर आईएसओ 14001 एंड 45001 गाइडलाइन के अनुसार ऑडिटर ये डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ चीज आइडेंटिफाई करता है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट में एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का मेजर एक्टिविटी राइट डाउन है कि नहीं उसे नोट डाउन करता है। नेक्स्ट वो मेजर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसका फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया गया है कि नहीं उसे भी आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है वो आइडेंटिफाई किया गया है कि नहीं उसे भी चेक करता है। नेक्स्ट ये डॉक्यूमेंट में एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर्मेट को इंटीग्रेट किया गया है कि नहीं उसे भी चेक करता है। अभी क्लॉज नंबर 6.1.2.2 एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंट में एज पर आईएसओ 14001 एंड 45001 गाइडलाइन के अनुसार ऑडिटर ये चेक करता है कि डॉक्यूमेंट में एक क्वांटिफाई रेंज है कि नहीं अनएक्सेप्टेबल रिस्क वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एंड ये भी चेक करता है कि वो डॉक्यूमेंट में रिस्क मैट्रिक्स क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस एंड लाइकलीहुड को कैसे डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये एक 8x8 रिस्क मैट्रिक्स है, जिसमें लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस को क्वांटिफाई एंड डिफाइन किया गया है किसी भी एक्टिविटी का। नेक्स्ट लाइकलीहुड को क्वांटिफाई करने के बाद उसे डिस्क्रिप्शन भी किया जाता है, जैसे कि रिस्क मैट्रिक्स का स्कोर अगर 1 हो तो वो एक्टिविटी का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। रिस्क मैट्रिक्स का स्कोर अगर 5 हो तो वो एक्टिविटी का रिस्क में हाई इम्पैक्ट है। इस तरीके से रिस्क मैट्रिक्स का स्कोर को डिफाइन कर सकते हैं। अभी अनएक्सेप्टेबल रिस्क का रेंज को भी आइडेंटिफाई करके उसे डिफाइन एंड उसे किस लेवल तक एस्केलेशन करे ये प्रोसेस को भी इंक्लूड करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर रिस्क मैट्रिक्स का स्कोर 13-18 हो वो रिस्क लेवल मीडियम है एंड उसे एस्केलेट फाइनेंस लेवल में मैनेजर फाइनेंस, टेक्निकल लेवल में मैनेजर क्वालिटी हेल्थ एंड सेफ्टी एंड जीएम ऑपरेशन तक
सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी लेवल में मैनेजर क्वालिटी हेल्थ एंड सेफ्टी एंड जीएन ऑपरेशन तक एस्केलेट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर रिस्क मैट्रिक्स का स्कोर 33-45 के अंदर आता है तो वो रिस्क लेवल एक्सट्रीम है एंड उसे फाइनेंशियल लेवल में ऑल डायरेक्टर, टेक्निकल लेवल में ऑल डायरेक्टर एंड सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी लेवल में ऑल डायरेक्टर तक एस्केलेट किया जा सकता है। अभी जो जो एक्टिविटी का रिस्क स्कोर अनएक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आता है उसे एक्सेप्टेबल रिस्क के अंदर लाने के लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम को डेवलपमेंट करना पड़ता है एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का स्टेटस एमआरएम मीटिंग में टॉप मैनेजमेंट को शो करना पड़ता है। क्लॉज नंबर 6.2.2 एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव एंड प्लान को अचीव करने के लिए एज पर आईएसओ 45001 एंड 14001 गाइडलाइन के अनुसार एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए ये फॉर्मेट को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव को ईएचएस पॉलिसी से ले सकते हैं एंड ऑब्जेक्टिव को ईएचएस पॉलिसी से लेने के बाद उसे एज पर अवेलेबल डाटा के अनुसार क्वांटिफाई करके एक टारगेट सेटअप कर सकते हैं। ईएचएससी ऑब्जेक्टिव को टारगेट सेटअप करने के बाद वो किस आईएमएस में इंटीग्रेट होता है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसके बाद स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान को डेवलपमेंट किया जाता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में ईएचएससी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है एंड वो एक्शन प्लान को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्स जरूरी है उसे भी आइडेंटिफाई किया जाता है एंड वो एक्शन प्लान को अचीव करने के लिए कौन अकाउंटेबल होगा वो पर्सन का नाम भी आइडेंटिफाई किया जाता है एंड एचएससी ऑब्जेक्टिव का एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्सपेक्टेड टाइम को भी फ्रेम अप करना पड़ता है। नेक्स्ट एचएससी ऑब्जेक्टिव का एक्शन प्लान प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसे चेक करने के लिए मॉनिटरिंग प्रोसेस को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट एचएससी ऑब्जेक्टिव का एक्शन प्लान प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो रहा है कि नहीं उसे चेक करने के लिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस को भी डिटरमाइन एंड डिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट एचएससी ऑब्जेक्टिव का एक्शन प्लान ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस प्रोसेस के साथ कैसे इंटीग्रेट हो रहा है उसे भी डिफाइन करना पड़ता है। एट लास्ट एचएससी ऑब्जेक्टिव का एक्शन प्लान अगर टाइमली कंप्लीट ना हो तो क्या रिस्क जनरेट कर सकता है एंड अगर टाइमली कंप्लीटेशन हो तो क्या अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकता है उसे भी डिटरमाइन एंड डिफाइन किया जाता है। इस तरीके से क्लॉज नंबर 6.2.2 EHS ऑब्जेक्टिव का प्लान टू अचीव देम ये डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। अभी बात करते हैं क्लॉज नंबर 6.1.2.1 है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट प्रोसीड्योर को एज पर ISO 45001 एंड 14001 के अनुसार कैसे डॉक्यूमेंटेड करें। ये डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या टाइप का हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन टूल है उसे डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल EHS साइट टूर ऑब्जर्वेशन गेम्बा वर्क बाय साइड लीड टाइप ऑफ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन टूल को डिफाइन करने के बाद हर एक टाइप का हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन टूल का प्रोसेस को डिफाइन करना है एंड फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड करना है फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर गेम्बा वर्क को एज ए हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन टूल डिफाइन किया गया है देन गेम्बा वर्क का ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है उसे कौन लीड करता है कौन कौन डिपार्टमेंट गेम्बा वॉक में पार्टिसिपेट करता है गेम्बा वॉक का फ्रीक्वेंसी क्या है गेम्बा वॉक में किस तरीके का ऑब्जर्वेशन को आइडेंटिफाई एंड उसे शेयर किया जाता है एंड गेम्बा वॉक का ऑब्जर्वेशन का क्लोजर परसेंटेज मिनिमम कितना होना चाहिए एंड गेम्बा वॉक क्लोजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से ट्रैकिंग मैकेनिज्म को भी डेवलपमेंट किया जाता है उसे भी डिफाइन करना होता है। जैसे गेम्बा वॉक का जितना भी ऑब्जर्वेशन है किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है एंड जो जो ऑब्जर्वेशन क्लोजर हो गया है उसे कैसे रीवेरीफाइड किया जाता है उसके बाद एक कॉन्सोलिडेट गेम्बा वॉक का ऑब्जर्वेशन ट्रैकर को भी डिफाइन करना होता है एंड गेम्बा वॉक का क्लोजर का स्टेटस कौन कौन मीटिंग में कम्युनिकेट किया जाता है एंड किस तरीके से विद इन द टीम मेंबर जो जो ऑब्जर्वेशन क्लोजर नहीं हुआ है उसे रिमाइंड किया जाता है। इस तरीके से किसी भी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को डिफाइन एंड उसे एनालिसिस कर सकते हैं। अभी बात करते हैं क्लॉज नंबर 6.1.3 प्रोसीड्योर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट
एज पर ISO 45001 एंड 14001। ये डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीगल टीम को फॉर्मेशन करना जरूरी है एंड उसके बाद लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट का रजिस्टर को डिटरमाइन करना भी जरूरी है। ये एक सैंपल फॉर्मेट है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीगल एंड आधार रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं, जहां पे एज पर ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल एक्ट रूल नोटिफिकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसका मेजर आइटम क्या क्या है एंड उसका क्या चेक आइटम है वो लीगल रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड वो लीगल रिक्वायरमेंट को कौन सा रिकॉर्ड से हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड का भी नाम को मेंशन करना पड़ता है। वो लीगल एक्टिविटी को कौन एक्चुअली इम्प्लीमेंट करता है उसका भी नेम को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलम में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर वो लीगल एक्टिविटी विद इन द टाइम फ्रेम अगर कंप्लीट ना हो या डेविएट हो तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में उसे भी आइडेंटिफाई करना होता है एंड रिमार्क्स में बेसिकली वो लीगल एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड का वैलिडिटी कितना तक है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीगल एंड आधार रिक्वायरमेंट का रजिस्टर को डेवलपमेंट किया जाता है। लीगल एंड आधार रिक्वायरमेंट का रजिस्टर को डेवलपमेंट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोसेस को सेटअप करना पड़ता है जिससे क्या अप टू डेट लीगल एंड आधार रिक्वायरमेंट एज पर एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन को पता चले। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का लॉज ऑफ लैंड क्या है, जैसे क्या स्टेट स्पेसिफिक क्या रूल है, सेंट्रल स्पेसिफिक क्या एक्ट है उसे आइडेंटिफाई करता है एंड ऑर्गेनाइजेशन अप टू डेट लीगल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए लीगल न्यूज़लेटर अवेल करता है एंड ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज पर एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इसे भी ध्यान में रखता है। लीगल रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को डिफाइन एंड डॉक्यूमेंटेड करने के बाद भी ये कुछ लीगल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है फॉर कंप्लायंस ऑफ क्लॉज नंबर 6.1.3, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट को लीगल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जरूरी है एंड एज पर एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई न्यू लीगल नोटिफिकेशन अगर आइडेंटिफाई हो तो उसे लीगल इवोल्यूशन मीटिंग के द्वारा मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया जाता है एंड लीगल रजिस्टर का लीगल एक्टिविटी का रिकॉर्ड का स्टेटस भी मैनेजमेंट को शो ऑफ करना पड़ता है लीगल इवोल्यूशन मीटिंग के द्वारा। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।